ज्यादातर लोग अपने जीवन में सफल नहीं बन पाती है। इसके कारण कभी भी ये नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, ये भी नहीं है कि उनके पास कोई भी मौके नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई मुश्किल परिस्थिति उनके जीवन में आ गई है। ज्यादातर समय भी ज्यादातर लोग अपने आप से ही क्लियर नहीं होते हैं कि उन्हें जीवन में क्या क्या चाहिए। ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, और ये बिल्कुल ही असंभव है उस चीज को ढूंढना जिसके बारे में आप खुद ही नहीं जानते हो। एक सर्वे में देखा गया है कि दुनिया के बस 5% लोग अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं। सिर्फ 5% लोगों के पास ही उनके जीवन का डायरेक्शन है। अब मेरी ये बात गौर से सुनो, आपके पास अगर कोई भी टारगेट नहीं है तो फिर आप अपने फुल पोटेंशियल तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगी। आपके पास अगर सपने ही नहीं है तो फिर आप अपने सपनों को कैसे हासिल करोगी? कुछ लोग यही कहते होंगे कि मेरा लक्ष्य है बस सफल बनना, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं ये चीजें पाना चाहता हूँ। मेरे भाई, ये बात याद रखो, ये सपने नहीं है, ये तो बस इच्छा है। आपको स्पेसिफिक बनना होगा और आपको ये जरूर जानना होगा कि आपको जीवन में वाकई में क्या क्या चाहिए। आपको अपने आप से ये कहना होगा कि मुझे यही चाहिए और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा। ज्यादातर लोगों के पास जीवन की कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, वो बस एक ही जगह पर अटक जाती है। आप उन लोगों की तरह बनो जिन्हें अच्छे से मालूम है कि उन्हें कहां पर जाना है। बहुत कम लोगों के अंदर ही खुद को इम्प्रूव करने की डिजायर होता है। अपने जीवन की बस आगे की तरफ देखते रहो। आपके लक्ष्य को पाना अगर इतना ही आसान होता तो फिर वो इतना बड़ा कभी भी नहीं होता और उसे कोई भी हासिल कर लेता। बड़े बड़े लक्ष्य बनाओ जो आपको पुश करे। आपके लक्ष्य अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो फिर आप उसे जरूर कर डालोगे, और अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर आप जरूर एक एक्सक्यूज ढूंढ लेंगे। अब सवाल ये है कि आप अपने लक्ष्य को कितना चाहते हो। ज्यादातर लोग जब बड़ा लक्ष्य देखते हैं वो तभी डर जाते हैं। आप अपने बड़ा लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्से में बांट लो और छोटे छोटे एक्शन लो और अपने कामों में मोमेंटम ले आओ। अरे शुरुआत तो करो, आप जब चलना शुरू करेंगे आपको रास्ते भी मिलते जाएंगे। आप अपने सपनों को जरूर हासिल कर सकते हो। आप अपने लक्ष्य का पीछा क्यों कर रहे हो, उस क्यों का कारण आपको ढूंढ निकालना होगा। आपके कारण बहुत ज्यादा मजबूत होना होगा, क्योंकि आपके मजबूत कारण ही आपको हार मान लेने से रोकेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी सफल इंसान नहीं है जिन्होंने लक्ष्य नहीं स्थिर किया है, क्योंकि आपके अगर स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो फिर आप एक सर्टेन दिशा में नहीं जा पाओगे और आपके सफल बनने का चांसेस बिल्कुल ही जीरो है। आप अगर ये नहीं जानते कि आपको कहां पर जाना है तो फिर आप वहां पर जाकर रुकोगे जिसका पता आप खुद ही नहीं जानते हो।